तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया की सबसे आसान जॉब के बारे में जो कि मुझे लगता है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आईटी सपोर्ट या डेस्कटॉप सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट की जो जॉब होती है ना, वो आपको सिर्फ 15 से 20 डेज में मिल सकती है या मैक्स आप उसे 30 डेज में भी कर सकते हो। बस इतना आपको पढ़ना सिर्फ उतना पड़ेगा। देखो क्या होता है कई बार चीज़ें ना, जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपसे कुछ भी वहाँ प्रैक्टिकली नहीं कराते हैं, वहाँ पे सारा कुछ आपका थ्योरेटिकल होता है। तो आप पॉइंट आता है थ्योरेटिकल का, जहाँ पे थ्योरेटिकल बात होती है अगर इंटरव्यू में। अगर आप इसके लिए कोडिंग वगैरह के लिए जाते हो, चाहे वो .NET डेवलपर हो, PHP डेवलपर हो, जावा डेवलपर हो, या किसी भी तरीके की डेवलपर की जॉब हो, तो उसमें क्या होता है 50% केसेस में वहाँ पे प्रोग्रामिंग भी करवा लेते हैं। लेकिन सपोर्ट की जॉब में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको वहाँ पे डायरेक्ट सिस्टम नहीं पकड़ा देते। वो सपोज कि इंटरनेट नहीं चल रहा तो आप उसे चला के दिखाओ, हार्ड डिस्क रिप्लेस करके दिखाओ, तो ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो जब थ्योरेटिकल की बात आती है वहाँ पे, तो आपके लिए एक इजी पॉइंट हो जाता है कि आप सिर्फ उतना पढ़ो जिससे आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाए। और सपोर्ट की जॉब ऐसी होती है कि अगर आपके पास अगर कंप्यूटर का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ना, आप कंप्यूटर के बैकग्राउंड से हो, उतना थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं, नॉर्मली जो एप्लीकेशंस आते हैं वो सिस्टम भी कैसे इंस्टॉल करते हैं, या जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं वो कैसे रिप्लेस करते हैं, अगर ये फेयरली आपको 50% या 30% आपको अगर उसका नॉलेज है, तो आपको सीखने में ज़्यादा टाइम। चीज़ें सारी वही होती हैं, वही काम करती हैं जो हम लोग लोकल सिस्टम पर काम करते हैं। बट क्या होता है कि वो सारे सिस्टम होते हैं डोमेन में, तो उनकी थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन हाई होती है, या बहुत सारी चीज़ों की वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है। जब कोई भी सिस्टम किसी सर्वर से कनेक्ट होता है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स आती है। अभी क्या होता है, जैसे सिस्टम में हम लोग सॉफ्टवेयर फायरवॉल को यूज़ करते हैं, कंपनीज़ में हार्डवेयर फायरवॉल यूज़ होता है, तो सारी चीज़ें वही होती हैं, प्रॉब्लम्स उसी तरीके की आती हैं। बस वहाँ पर आपको कुछ एडवांस एप्लीकेशन मिल जाते हैं, काम का थोड़ा वर्क प्रेशर आपको मिल जाता है, ये चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। तो आप सिर्फ उतना क्लियर करो कि उतना पढ़ो कि आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाए थ्योरेटिकल। और आपको यूट्यूब पे या गूगल पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहां से आप टेक सपोर्ट का या आईटी सपोर्ट का ये इसकी जॉब के लिए आप इंटरव्यू के वहां से क्वेश्चंस निकाल सकते हो। इनकेस अगर आपको भी चाहिए तो हो सकता है मैं गूगल ड्राइव का लिंक दे दूं डिस्क्रिप्शन में। अब इस वीडियो में तो नहीं, नेक्स्ट कमिंग वीडियो में कभी मैं गूगल ड्राइव पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे कुछ शॉर्टेज क्वेश्चन है 50 to 60, अगर इन केस आप उतना ही पढ़ लेते हो तो उस जॉब के लिए वो इनफ होता है। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो और आपको आईटी में करना है, देखो यहाँ पे सपोर्ट से स्टार्ट करो, उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप क्लाउड में भी जा सकते हो, लिनक्स में भी जा सकते हो, डेवऑप्स में भी जा सकते हो, या अगर आपको आपका इंटरेस्ट डेवलपिंग में है तो आप उसमें भी जा सकते हो कुछ टाइम उस पर काम करके, और वहाँ से उस प्रोफाइल में भी मूव हो सकते हो। तो आई होप आप इस वीडियो से समझ गए हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।